ये स्थान कौन सा होगा? यूनिट का स्थान होगा। अब इसके बाद का जो स्थान होगा वह स्थान अपने इस दाहिने वाले स्थान से कितना गुना होगा? 10 गुना होगा। तो इससे 10 गुना जो हुआ उसको हमने गुना बोला दहाई। दहाई का मतलब 10। बात समझ जाए। अब इसके बाद जो भी स्थान होगा वो अपने किससे कितना गुना होगा? दहाई से 10 गुना होगा। अपने ठीक दाहिने वाले से कितना होगा? 10 गुना होगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, लेकिन इकाई से कितना गुना हो गया? 10 गुना ये और 10 गुना ये, 10 10 दहा में 100 गुना हो गया। इसीलिए इस स्थान को हमने बोला सैकड़ा, यानी कि 100। बात समझ में आ रही है? उसके बाद यह स्थान इसके बाद वाला, इसके बाद वाला 100 से कितना गुना होगा? 10 गुना होगा। इसलिए यह हो गया 1000। इसका नाम क्या होने लगा? 1000। और उसके बाद फिर ये 1000 का 10 गुना, तो हमने क्या उसका नाम रखा? 10000। अब 10000 का 10 गुना कौन हो जाएगा? लाख। लाख का 10 गुना कौन हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख का 10 गुना करोड़। करोड़ का 10 गुना 10 करोड़। 10 करोड़ का 10 गुना अरब। अरब का 10 गुना 10 अरब। देख रहे हैं? उसके बाद खरब, खरब के बाद 10 अरब। ऐसे ही 10 गुना हमने सिस्टम बना दिया। और अब देखिए बहुत छोटी सी चीज है, इसको इंग्लिश में 1000, इसको बोलेंगे 10,000, इसको बोलेंगे लाख, लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, इसको 10 करोड़, इसको अरब, इसको 10 अरब। ऐसे हमारा सिस्टम चलता है। अब बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप 5 kg जब कहते हो आप, तो 5 क्या है? 5 क्या है? परिमाण है। 5 आंकिक मान है और केजी क्या है? मात्रक है। इसका मतलब हुआ कि 1 kg कितनी बार शामिल है? 5 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg कितनी बार शामिल है? 5 बार। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यहां इस स्थान पर यदि मैं लिखता हूं 3, इसका मतलब 3 इकाई का मतलब क्या आपने बताया था? 1। तो 3 कितनी बार शामिल है? 1 बार। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हमने रख दिया 5, तो 5 कितनी बार शामिल है? यह स्थान कितना है? 10। तो 5 कितनी बार शामिल है? 10 बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 5 कितनी बार शामिल है? 10 बार। इसी प्रकार यहां हमने रख दिया 7, तो 7 कितनी बार शामिल है? 100 बार। तो हम इसको जैसे पढ़ते हैं 5 kg, वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे 3 इकाई, 5 दहाई, 7 सैकड़ा, जैसे हम इसको पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही? उसी प्रकार हम यदि यहां पर रख देते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4000। यहां पे हम रखते हैं 6, ये हो जाएगा 6 10000। 6 गुणे कितना? 10000। और उसके बाद यहां पे हम रख देते हैं 2, तो ये हो जाएगा कितना? 2 लाख। अब यहां पे हम रखते हैं 1, तो ये हो गया 1 गुणे 10 लाख। 1 क्या है? 10 लाख। फिर हमने रख दिया 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9 करोड़। बात समझ में आ रही है? फिर हमने रख दिया 8, तो ये हो गया 8 क्या 10 करोड़। तो अब क्या चलिए, फिर यहां पर रखते हैं हम लोग 3, 3 क्या हो गया? अरब। और फिर हम लोग यहां पर रखते हैं, यहां पर रखते हैं 7, ये 7 क्या हो गया? 10। इस प्रकार जो अब हम इनको पढ़ेंगे कैसे? 3 इकाई, 5 दहाई, 7 सैकड़ा, 4000, 6 10000, और ये हो जाएगा 2 लाख, 1 10 लाख, 9 करोड़। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए बहुत छोटी सी चीज है, अब जैसे वो छोटा सा एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि हम 5, 3, 8, 7, 6,
अब हमको इसमें पढ़ना है। अब जरा देखिए हमारे सिस्टम के अनुसार हमको जब इसे पढ़ना है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। पढ़ते हमेशा कहां से हम लोग, बाएं से शुरू करते हैं, दाहिनी तरफ जाते हैं। तो पढ़ेंगे इसे पांच, ये भी प्रस्थान, इसका स्थान, इसको स्थान डिनोट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, और ये क्या है, दस हजार है। तो पांच दस हजार यानी कि पचास हजार, तीन हजार आठ सैकड़ा, सात दहाई, छह इकाई। इसे कैसे पढ़ेंगे, पांच दस हजार है, पांच गुणे दस हजार यानी कि पचास हजार, अब पचास हजार है और ये तीन हजार है, तो अब हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, पचास और तीन कितना, तिरपन हजार है ना। लेकिन वास्तव में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, वास्तव में पचास हजार, तीन हजार, आठ सैकड़ा, सात दहाई, छह इकाई। इसका वास्तविक पढ़ने का तरीका ये है। अब यहां से आपका स्पेशली टेट में एक प्रश्न आया है, देखिए कैसे आया है, इसके पढ़ने के तरीके पर से प्रश्न आया है। अब देखिए जरा उसको, इसको आप अकेले कितना पढ़ेंगे, तीन इकाई, और अब आप इसे कितना पढ़ेंगे, पांच दहाई, तीन इकाई, सही है। इसको पढ़ेंगे आप पांच दहाई, तीन इकाई, सही है ना, अलग, सॉरी अब एक साथ नहीं, अलग अलग, अलग अलग यदि हमको पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे पांच दहाई, तीन इकाई। अब ये बताइए कि पांच दहाई, तीन इकाई अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे यदि हम एक साथ पढ़े तो, यदि हम इसे एक साथ पढ़े तो जब एक साथ पढ़ते हैं इसको हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, इसको पढ़ेंगे तिरपन क्या इकाई। तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, तिरपन इकाई। बात समझ में आने में नहीं आती है ना, अलग अलग पढ़ेंगे तो पांच दहाई, तीन इकाई, और एक साथ पढ़ेंगे तो तिरपन इकाई, 53 यूनिट। बात समझ में, अच्छा अब इसके साथ भी पढ़ लीजिए, आपको चारों को अलग, तीनों को अलग अलग पढ़िए, सात सैकड़ा, पांच दहाई, तीन इकाई, ठीक है। अब देखिए पहले इसको हम पढ़े, अब हम सात सैकड़ा को अलग पढ़ते हैं, तिरपन इकाई को अलग पढ़ते हैं, तो पढ़ने का तरीका देखिए, पहला तरीका हो जाएगा कि सात सैकड़ा, पांच दहाई, तीन इकाई, पहला। दूसरा तरीका हो जाएगा सात सैकड़ा, तिरपन इकाई, दूसरा तरीका सात सैकड़ा, तिरपन इकाई। तीसरा तरीका सात सौ तिरपन इकाई, सात सौ तिरपन इकाई। बात समझ में आ रही है, इसी प्रकार यदि हजार को लेके चलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा चार हजार, सात सैकड़ा, पांच दहाई, तीन इकाई, और अलग ये अलग अलग हम पढ़ रहे हैं। अब एक साथ पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे चार हजार सात सौ तिरपन इकाई। एक और तरीका चार हजार सात सौ तिरपन इकाई, एक और तरीका चार सौ पचहत्तर दहाई और तीन इकाई, एक और तरीका सैतालीस सैकड़ा तिरपन इकाई, एक और तरीका चार हजार सात सौ तिरपन इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हम ये पढ़ने का हमारा तरीका है। अब ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, अब जैसे चलिए हम और छोटा कर देते हैं आपकी आसानी के लिए, तो अब जैसे इसे आप पढ़ेंगे तो इसको आप कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। अब यही आपका इसी पर एक प्रश्न आया था टेट में, सीटेट में भी आया था, टेट में भी आया था, जरा ध्यान दीजिए। पहला तरीका ये क्या होगा पढ़ने का, पहला तरीका आपको इसको पढ़ने की कोशिश करिए, पहला तरीका इस पूरी संख्या को पढ़ने का तरीका होगा कि अलग अलग पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे तीन हजार, आठ सैकड़ा, सात दहाई, छह इकाई, ये हम पढ़ेंगे पहला तरीका। दूसरा तरीका अब हम लोग सिर्फ इन दोनों को एक साथ लेते हैं,
तो दूसरा तरीका हो जाएगा 3008 सैकड़ा 76 क्या इकाई, बात समझ में आ रही। तीसरा तरीका कि अब हम इन तीनों को एक साथ लेते हैं, इसको अलग करके पढ़ते हैं, तो हो जाएगा 3876 क्या इकाई। चौथा तरीका चारों को एक साथ लेके पढ़ते हैं, 3876 क्या इकाई, देख रहे हैं। अब पांचवा तरीका कि हम दो दो को अलग अलग लेके पढ़ते हैं, इतना अलग और इतना अलग लेके पढ़ते हैं, तब कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 3 8 कितना 38 सैकड़ा 76 इकाई, बात समझ में आई। अब इन तीनों को हम एक साथ लेके पढ़ रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, तब कैसे पढ़ेंगे 387 क्या इकाई, सॉरी दहाई, 387 दहाई 6 इकाई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर है ना। तो ये प्रश्न है। अब जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, अब इसी या चलिए मैं इसी से एक प्रश्न बना के आपको देता हूं, 3876 से एक प्रश्न बना के देता हूं कि जैसे लिखा है, प्रश्न है कि 3876 बराबर 3876 बराबर, या चलिए एक और हम अंक बढ़ा लेते हैं, इसके पहले एक अंक कोई था, मान लीजिए 5 लिख देते हैं, एक और अंक बढ़ा लेते हैं, तो है क्वेश्चन 53876 बराबर, देखिए 50,000 प्लस 50,000 प्लस 30 सैकड़ा 50,000 प्लस 30 सैकड़ा प्लस डॉट 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 कितना दहाई प्लस प्लस 76 इकाई। अब इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको ये बताना है कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, है ना। तो अब देखिए इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि जो दाहिने पक्ष में है उनको हम जोड़ लेते हैं, है ना। तो दाहिने पक्ष में कौन कौन है, 50,000 और प्लस कितना 30 सैकड़ा। अब यहीं पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, 50,000 30 सैकड़ा का मतलब कि 30 सैकड़े का मतलब क्या हो गया, 3 के बाद 100 का मतलब 20 यानी कि 3,000 है, बात समझ में आई। ये कितना है 3,000, यानी कि 3,000 है वास्तव में, है ना। तो ये हो गया आपका 50,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 53,000 हो गया। अब प्लस ये भी दहाई नहीं मालूम है, इसको भी छोड़ दीजिए, अब प्लस कितना इकाई है 76 इकाई है। तो आपका ये दाहिने साइड वाला इसको छोड़ के हो गया 53,000 क्योंकि 76 क्या लिखा है इकाई लिखा है, बात समझ में। तो ये हो गया 53,000 कितना 76, इज इट क्लियर। अब 53,076 इधर है और इधर कितना है 53,876, तो आप 53,876 में से किसको घटा लेंगे 53,076 को, तो 53,876 में से जब 53,076 को आप घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और ये 8 में से 0 गया 8, और ये 3 में से 3 गया कितना 0, 5 में से 5 गया 0, यानी आपको कितना बचा आपके पास 800 बचा है 800, और लेकिन यहां पे दिया क्या है दहाई, तब आप कैसे लिखेंगे, तो वही तरीका पढ़ने का तरीका, ये क्या है इकाई और ये क्या है दहाई और ये क्या है सैकड़ा। अब पढ़ने का तरीका इसको हम जरा अलग अलग करके पढ़िए, तो पढ़ेंगे 8 सैकड़ा 0 दहाई 0 इकाई, सही बोल रहे हैं। अब आप इन दोनों को एक साथ क्या पढ़ेंगे, 80
जो लास्ट में होता है उसी का स्थान हम बोलते हैं। 80 क्या दहाई, और वही आपसे पूछ रहा है। तो इस खाली स्थान में कितना लिखेंगे दोस्त, 80 दहाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इससे यह क्वेश्चन आपके टेट में और सीटेट में दोनों में पूछा गया है। तो ये आपके लिए एक तरीका है कि इसको पढ़ने, ये जानने से क्या कौन सा आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए जरा एक चीज यहाँ पे, जैसे मैंने पढ़ने का तरीका बताया था आपको, कि पढ़ने के तरीके मैंने आपको बताया कि पहले हम उस संख्यांक को पढ़ते हैं और फिर वह संख्यांक जिस स्थान पर होता है उस स्थान को पढ़ते हैं। और पढ़ते हम हमेशा, या पढ़ते और लिखते हम हमेशा किस साइड से है, बाएं से इधर दाहिने की ओर। तो हमने यह सिस्टम बनाया, तीन सिस्टम ध्यान रखिए। पहला सिस्टम कि लिखेंगे और पढ़ेंगे हमेशा कैसे, बाएं से दाहिने की ओर। इज इट क्लियर? हमेशा हम लिखेंगे पढ़ेंगे किधर से, बाएं से किधर से दाहिने, यानी कि लेफ्ट टू राइट, है ना। अब पढ़ेंगे कैसे, पहले किसको पढ़ेंगे, संख्यांक को, उसके बाद जिस स्थान पर वह है उस स्थान को। तो इसे तीन इकाई, बात समझ में आई? अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल अवश्य थोड़ा देख लेते हैं, 2, 5, 8, 7। अब इसे हमको पढ़ना है तो हम पहले हमारे, जैसे कि हमने बताया आपको कि पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, तो शुरू करेंगे 2 से। 2 किस स्थान पर है, 1000, तो पढ़ेंगे 2000। 5 स्थान पर है, सैकड़े पर, पढ़ेंगे 5 सैकड़ा। 8 स्थान पर है, दहाई पर, तो पढ़ेंगे 8 दहाई, 7 इकाई। कैसे पढ़ेंगे, 2000, 5 सैकड़ा, 8 दहाई, 7 इकाई। ये हमारे पढ़ने का तरीका होगा, बात समझ में आई? और हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि अब हम लोग इसको एक साथ पढ़ देते हैं, सामान्य जनरल जनरल वे में, सिंपल वे में हम लोग इसको पढ़ देते हैं 587। वास्तव में वो होता कितना, जैसे कि जो हम लोग जो सामान्य आपको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 2587 आप ऐसे पढ़ते हो। अब देखिए, अब देखिए यहीं पर आप इसको, इसमें थोड़ी सी हम लोग एक चीज नहीं बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इकाई। वास्तव में हमको क्या पढ़ना चाहिए, 2587 इकाई। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया ऐसे प्रश्न कि कैसे जो है कि इनके पढ़ने से और सिस्टम से कैसे प्रश्न आता है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, यहां पे मैं आपका एक टॉपिक और कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, अब इसके ये तीन किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर है। तीन इकाई स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा 3 × जिस स्थान पर है, और जिस स्थान का मान कितना होता है 1, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 3। 5 किस स्थान पर है, दहाई पर है, तो इसका मान हो जाएगा 5 × कितना, 10, यानी कितना, 50। 7 किस स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 7 × 100 बराबर कितना, 700। बात समझ है? तो ये जो मान है इन अंकों का, इन अंकों का ये मान किसकी वजह से है, इनके स्थान की वजह से, सही है। इसलिए इस मान को हम लोग कहते हैं, इस ये तरीका जो हमने ये मान निकाला, इस मान को हम लोग कहते हैं, इस मान को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। कौन सा मान कहेंगे, स्थानीय मान, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इस 3 का, केवल 3 का मान कितना है, केवल 3 मात्रा में कितना रहेगा, केवल 3, तो ये इसका अपना खुद का वजूद है, यानी कि वो वजूद कैसे है, इसके चेहरे का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है इसके चेहरे का, बात समझ में, ये 3, इसको क्या पढ़ेंगे, 5। ये दुनिया में इसको कहीं भी लिख देंगे, ये किसी भी स्थान के पास चला जाएगा वो हमेशा कितना पढ़ा जाएगा, 5। बात समझ में आई? तो ये भी इसका एक मान है, और उस मान को कहते हैं, उस मान को कहते हैं, उस मान को कहते हैं जातीय मान। कौन सा मान कहते हैं, जातीय मान या
फेस वैल्यू, क्या कहते हैं फेस वैल्यू। अब इससे टेट में क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है कि 3587 में, 3587 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में, यानी कि जातीय मान में, इसे अंकित मान भी कहते हैं, इसे अंकित या आंकिक, अंकित या आंकिक मान भी कहते हैं। आंकिक मान का मतलब जो इस अंक का मान था, जैसे ये जो अंक थे 5 का मान, ये मान तो 5 का मान 5, आंकिक मान 5। तो पूछा था प्रश्न है कि 3587 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो दोस्त स्थानीय मान 5 किस स्थान पर है, 5 किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5 × 100 यानी कि 500, और अंकित मान यानी आंकिक मान कितना है, केवल आंकिक मान कितना है 5। तो हमको 5 का अंतर पूछा था, आंसर 400 कितना 95। ये टेट का क्वेश्चन है दोस्त, सीटेट और टेट में आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई डाउट है। तो यहां से आपका एक टॉपिक और क्लियर हो गया कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको मिटाता हूं, अब आपको मैं चलता हूं थोड़ा सा लेवल और ऊपर करके थोड़ा सा बस। तो ये आपने स्थानीय मान, जातीय मान और ये सिस्टम आपने देख लिया। इस सिस्टम को पढ़ने का तरीका अलग अलग है, जैसे भारत में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिए। भारत में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए भारत में हम इन तीनों को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं। जैसे यदि 7 5 3 लिखा हो तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 7 सैकड़ा 5 दहाई 3 इकाई ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, 753 इकाई, 753 क्या इकाई एक साथ पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, फिर हम हमेशा इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तब हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे इस पूरी संख्या को कैसे पढ़ेंगे, तो हम इस पूरी संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 64 क्या 1000। मैंने कहा था आपको पूरी संख्या पढ़ते समय जो लास्ट की संख्या के जिस स्थान पर होती है वही स्थान पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे 64 क्या 1753 इकाई, क्लियर है। अच्छा अब हम यदि इन दोनों को साथ में पढ़ें पूरा यहां से लेके यहां तक, तब कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे मैंने बोला था इन दोनों को साथ लेंगे।